आज हम बात करने वाले हैं दुबई की। दुबई के पास अचानक से इतना पैसा कहाँ से आया? पिछले 20 साल के अंदर दुबई इतना अमीर देश कैसे बना? कैसे दुबई ने ग्लोबल डेस्टिनेशन, ग्लोबल हब, थर्ड मोस्ट ट्रेवल्स सिटी बना दिया? जहाँ 20 साल पहले दुबई में सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती थी। अगर हम आपसे पूछें कि दुबई के पास इतना पैसा आता कहाँ से है, तो आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा तेल की खदानें हैं। तो हम आपको बता दें कि तेल की रेवेन्यू दुबई का सिर्फ 1% ही है, तो फिर बाकी का 99% पैसा कहाँ से आता है? आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दुबई के बारे में। आज आप दुबई के ऐसे सच के बारे में जानेंगे जिसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे। एक ऐसा शख्स हो जिसने दुबई का नक्शा ही बदल डाला, यह है दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। इन्होंने ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बना डाला, ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को फाइनेंशियल हब बेस्ड इकोनॉमी बना डाला। इनको जैसे आदत सी हो गई हो कि जो भी दुबई के अंदर सेटल करेंगे या तो ओनली वन होगी या फिर नंबर वन होगी। जिन्होंने दुबई को आज दुनिया का तीसरे नंबर का टूरिज्म डेस्टिनेशन बेस्ड के साथ साथ ग्लोबल हब बना डाला, तभी दुनिया भर के लोग दुबई में अपना एम्पायर बिल्ड करने की सोचते हैं। इसके साथ ही दुबई एक ऐसी जगह बन गया है जहाँ पर सब कुछ आपको टॉप लेवल का मिलेगा। दुनिया का सबसे ऊंचा माल हो या दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, दुनिया का एकलौता 7-स्टार होटल बुर्ज अल अरब जिसमें एक आम आदमी की एंट्री हो ही नहीं सकती बिना बुकिंग कराए, आप चप्पल पहनकर जिसमें घुस ही नहीं सकते। और तो और दुबई इतने से ही नहीं संतुष्ट हुआ जब वह डिज्नीलैंड के पास गया यह बोलने कि दुबई में सबसे बड़ा डिज्नीलैंड बनाना चाहिए, तो डिज्नीलैंड वालों ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि दुनिया का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड सिर्फ हमारे यहाँ ही होगा। तब शेख मोहम्मद ने बोल दिया, अब मत बनाओ, हम दुबई लैंड बनाएंगे जो सबसे बड़ा होगा, जहाँ पर हर रोज़ 2 लाख लोग आएंगे और वहीं जहाँ रेत में एक भी पेड़ नहीं उगता, वहाँ उन्होंने फूलों का बगीचा बना दिया जो दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा है, जिसका नाम दुबई मिरेकल गार्डन। इसके साथ ही पाम जुमेरा जो दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड है, वो भी दुबई में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर करोड़ों के घर बिकते हैं। इतना ही नहीं, इस आइलैंड का स्ट्रक्चर भी गोल नहीं है, क्योंकि दुबई के शेख यह बखूबी से जानते हैं कि अगर वह गोल आइलैंड बनाते तो ज़्यादा घर बिल्ड नहीं कर पाते, जिससे वह इतना ज़्यादा कमाई नहीं कर पाते। दोस्तों, दुबई यही नहीं रुका बल्कि एक ऐसा ड्रोन तैयार कर रहा है जो इंसानों को बिठाकर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आज अगर हम दुबई के क्राइम रेट की बात करें तो वो भी लगभग शून्य है, क्योंकि वहाँ ना तो चोरी चकारी होती है ना ही लूटपाट। इन सब की वजह है वहाँ का सख्त कानून, और ये इसलिए है क्योंकि वहाँ पर कोई भी क्राइम करते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा और आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। फिर चाहे ट्रैफिक तोड़ने का क्राइम हो या फिर गाड़ी गंदी करके घूमने का। जी हाँ दोस्तों, दुबई में गाड़ी गंदी करके घूमने पर भी आपको फाइन देना पड़ जाता है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि दुबई के पास इतना पैसा कहाँ से आता है। दुबई के बारे में आप क्या सोचते हो, नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।